क्या क्या परेशानी है इस इलाके में आपको? बस आपको पानी की मुश्किलात है। पानी ना पानी है ना। पानी कहाँ से लाते हैं आप? हम दूर से, बहुत बड़ा दूर से लाते हैं, सफर करते हैं। चश्मे से लाते हैं? हाँ, चश्मे से। मैं अकेली हूँ घर में, इनके भी छोटे छोटे बच्चे हैं, पानी कुछ नहीं। इसीलिए हमारे बच्चे पकड़ने वाला कोई नहीं होता, पानी के बगैर रहते हैं। पानी की मुश्किल है ना सर, पानी का नहीं। अब मैं ला भी नहीं सकते, जहाँ ये बताए कि बना पानी की दूर से ला दूँ। वो चश्मे से लाते हैं ऊपर से। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सफ़रनामे का एक और नया एपिसोड लेकर मैं आ चुकी हूँ आपकी खिदमत में। और आज जिस जगह मैं आई हूँ वो थोड़ी सी हटके है, डिस्ट्रिक्ट गांदरबल में ही है, लेकिन बड़ी यूनिक जगह है। यूनिक इन द सेंस कि यहाँ का जो सीनरी है, यहाँ की जो क्या कहते हैं, जो लैंडस्केप है वो काफ़ी डिफरेंट है। बहुत ज़्यादा पथरीला रास्ता है और जो पहाड़ है उनमें ग्रीनरी नहीं है, वो भी मतलब पत्थर वाले पहाड़। तो चलिए यहाँ की ज़रा थोड़ी सी सीनरी में पहले आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए आप, ये यहाँ का सीनरी है और बहुत ही डिफरेंट यहाँ का लैंडस्केप है। और साथ ही में यहाँ पर जो पत्थर है वो ज़्यादा है, पहाड़ों पर भी पत्थर है। और पत्थर भी कोई छोटे मोटे पत्थर नहीं, बहुत बड़े बड़े पत्थर है यहाँ पर। और वो जो आपको वहाँ पे दिख रहा है, ये जो है एक फिल्ट्रेशन प्लांट है जिसकी मैं स्टोरी कवर कर रही हूँ, जो काफ़ी टाइम से बन रहा है। और ये देखिए कितना बड़ा पत्थर है। बेसिकली यहाँ पर एक प्रोजेक्ट है जिसकी स्टोरी मुझे कवर करनी है। और ये देखिए आप, अगर आप मेरे पीछे से देख पा रहे होंगे किस तरीके का एरिया है ये, और यहाँ का जो लैंडस्केप है वो काफ़ी डिफरेंट है बाकी जो भी एरियाज में मैं गई हूँ या फिर जिन एरियाज का मैंने आपको दिखाया है। बहुत बड़े बड़े पत्थर यहाँ पर हैं। और यहाँ के अगर आप देख पा रहे होंगे नीचे मेरे, यहाँ पर जहाँ पर मैं खड़ी भी हूँ इस टाइम, इस तरीके के पत्थर बड़े बड़े यहाँ पर है। और इस बात से अंदाज़ा होता है कि ह्यूमन हैबिटेशन जो है वो किस तरीके से वास्ट तरीके से फैली हुई है और कैसी कैसी जगहों पर है, जहाँ पर शायद आज से, मैं कहूँ कि अगर इसमें पर्टिकुलर एरिया की बात करूँ तो शायद आज से 60, 70 या 80 साल पहले यहाँ पर सिर्फ जंगल रहे होंगे। और क्योंकि यहाँ का जो लैंडस्केप है वो बहुत ज़्यादा हिली है और बहुत ज़्यादा, मतलब कि एक आम इंसान के लिए जो प्लेन्स एरिया में रहा हो उसके लिए यहाँ पे आना, यहाँ पे चढ़ना, यहाँ पे चलना थोड़ा मुश्किल है। सर ये बात बोलिए, फिर मुझे ज़्यादा डर लगेगा। मत आ जाओ सर, मैं आ गई, अब आधे रास्ते से वापस नहीं जाऊंगी। थोड़ा सा हाइट पे आके यहाँ का एरियल व्यू जो है मैं आपको दिखा रही हूँ कि पर्टिकुलरली कैसा एरिया है ये। जिन सीढ़ियों से मैं आई टेम्प्रेरी बनाई गई हैं, आ तो गई, अब सोच रही हूँ उतरू कैसे। जर्नलिज्म में आके जो जो मेरे डर थे, पानी का डर, हाइट का डर, कहीं ना कहीं वो दूर हो रहा है क्योंकि चीज़ों को एक्सप्लोर कर रही हूँ और हमेशा सोचती हूँ कि फेस करूँ ताकि अपनी कैपेसिटी का, अपनी एबिलिटी का पता चल पाए और पता चल पाए कि जितना डरती हूँ वाकई उतना डर है या फिर ये सिर्फ दिमाग का वहम है या फिर सिर्फ एक महज डर ही है। तो अभी मैं नीचे वापस उतरती हूँ। सच में डरावना है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, ये थी वो सीढ़ियां जिनसे ऊपर गई थी। पानी की मुश्किल है ना सर, पानी का नहीं। अब मैं ला भी नहीं सकते, जहाँ ये बताए कि बना पानी की दूर से ला दूँ। वो चीज़ में से ला दूँ। Бонин, мы с утра на гимназии. Я вас один вор, она в Кенон.
क्या परेशानी है इस इलाके में आपको? बस आपको पानी की मुश्किल आते हैं। पानी, पानी ना ना पानी है ना। पानी कहाँ से लाते हैं आप? हम दूर से, बहुत बड़ा दूर से लाते हैं, सफर करते हैं। चश्मे से लाते हैं? हाँ, चश्मे से। तो घर में पानी बिल्कुल नहीं है? कुछ भी नहीं है। जब बर्फ पड़ती है ना, हम बर्फ के पानी पिघला कर वो पीते हैं। बर्फ पिघला के उसको पीते हैं? हाँ, बच्चों को भी उसी को देते हैं। तो अभी आपकी यही डिमांड है कि आपको पानी मिलना चाहिए? हाँ, हमको पानी मिलना चाहिए, हमको नलके मिलने चाहिए, हमको कुछ भी नहीं है, हम गरीब लोग हैं। शुक्रिया। इस एरिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम, तकरीबन 700 चूल्हे होंगे, तकरीबन 40-50 हज़ार की आबादी पर मुश्तमिल ये इलाका होगा, और पानी की बहुत किल्लत है इनको। और अभी जैसे विंटर चल रहे हैं, तो उनका कहना है कि जब बर्फ़ पड़ती है तो बर्फ़ को पिघला के उसका पानी बना के ये उसे इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि पानी इनके पास, पीने के लिए पानी ही मुहैया नहीं होता। तो बहुत सारी जगहें ऐसी हैं, स्पेशली हिली एरियाज़ में, जहाँ पर इस तरीके की पब्लिक ग्रीवेंसेस आती है। और मुझे बड़ी खुशी होती है कि जब इन एरियाज़ में पहुँचती हूँ और इनकी जो आवाज़ है वो एडमिनिस्ट्रेशन तक, वो आला हुकाम तक पहुँचाती हूँ, ताकि और फील होता है कि शायद हाँ कुछ तो कर रही हूँ। एरिया में पानी की इतनी दिक्कत है कि आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। और अगर अभी आपको आपके घर पर बहुत आराम से पानी मिल रहा है, तो आप शुक्र अदा कीजिए, ग्रेटफुल रहिए, क्योंकि आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते कि इस इलाके में, इनके घरों में नल तक नहीं है, पानी की दूर की बात है। जब स्नोफॉल होगी, बर्फ़ को पिघला कर उसे मेल्ट करके ये पानी बनाते हैं, और फिर उस पानी से अपने खाना बनाना या बाकी ज़रूरत के काम वो पूरा करते हैं। तो बहुत ज़्यादा परेशानी है इनको यहाँ पर पानी की, और यहाँ के अंदाज़ा होता है कि ज़िंदगी किसने डिफरेंट कलर्स की होती है, और हर किसी के लिए किस किस तरीके से, अलग अलग तरीके से चैलेंजेस सामने रखती है। तो फिलहाल मैं सीरे से निकल रही हूँ, ये सफ़रनामा यूँ ही जारी रहेगा। लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।